हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने छोटे बेबी के दांत के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे छोटे बेबी का दांत जो है वो निकलना कब से शुरू होता है, और बच्चे का दांत अगर निकलने वाला होता है तो हमें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर उसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो किस तरह से उससे हम लोग परेशानियों से बच सकते हैं। तो पूरे वीडियो में हम लोग आज इसी पे बात करेंगे, बच्चों के दांत के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो हमको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे जो कठिन टाइम होता है वो होता है दांत निकलने का टाइम, क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हर माँ को प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो जो है हर माँ के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहली पॉइंट्स जब हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चे का दांत निकलने का जो सही टाइम होता है वो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे का जो सही टाइम होता है वो आफ्टर सिक्स मंथ्स, सिक्स टू सेवन मंथ्स जो होता है बच्चे का जो सही टाइम होता है। किसी बच्चे का जो है आफ्टर सिक्स मंथ्स ही दांत जो है निकलना शुरू हो जाता है, किसी बच्चे का होता है वो सेवन मंथ्स के बाद, एट मंथ्स के बाद स्टार्ट होता है। तो हर एक बच्चे का जो है अलग होता है, लेकिन नॉर्मल जो एज होता है छोटे बच्चे का दांत निकलने का वो आफ्टर सेवन मंथ्स ही होता है। क्योंकि अगर सिक्स मंथ में बच्चे का दांत निकलना शुरू हो जाता है तो वो अर्ली होता है, उस टाइम पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कहा जाता है कि जितना लेट से बच्चे का दांत निकलना शुरू होता है, यानी कि सेवन मंथ हो गया, एट मंथ हो गया, नाइन्थ मंथ हो गया, इस टाइम पे बच्चे का दांत अगर निकलना स्टार्ट होता है तो बच्चा के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम तक बच्चा जो है थोड़ा अच्छा से, मतलब थोड़ा हेल्दी हो चुका होता है, थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और उसको थोड़ा स्ट्रांग हो चुका होता है। तो अर्ली एज में कभी कभी बच्चे का दांत निकल जाता है, पर वो उस टाइम पे बच्चों को जो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो ये है एज, तो हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। किसी बच्चे का थोड़ा ज़्यादा पहले निकल जाता है और किसी बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है। किसी किसी बच्चे का तो एक साल भी हो जाता है फिर भी उसका दांत जो है वो नहीं निकलता है, तो बच्चे पे डिपेंड करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर बच्चा का दांत निकलता है तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना होता है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है, जो हर माँ को फेस करना होता है, हर पेरेंट्स को फेस करना होता है, वो होता है जब दांत निकलने वाला होगा तो बच्चा जो है बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको जो है इतना परेशान करेगा कि आप खुद बच्चे से परेशान हो जाते हैं। तो फर्स्ट होता है बच्चा बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाएगा, दिन भर रोएगा, कुछ मतलब ज़्यादा दूध भी नहीं पीना चाहेगा, ना कुछ खाना चाहेगा, ना कुछ पीना चाहेगा। तो ये जो होता है पहला लक्षण होता है बच्चे का दांत निकलने का। दूसरा लक्षण आप देख सकते हैं, बच्चा जब दांत निकलने वाला होता है तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहली प्रॉब्लम, बच्चे को फीवर भी हो सकता है, बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाती है, और कभी कभी बच्चे का लूज मोशन तो कॉमन है, बहुत सारे बच्चों को जो है लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। दिन भर में बच्चा जो है अगर नॉर्मल दो तीन बार लेटरिंग करता है बच्चा, तो आपका बच्चा जो है 10 बार भी लेटरिंग कर सकता है, और लेटरिंग का में देखेंगे कलर जो है वो चेंज हो जाता है फटाफट जैसा लेटरिंग बच्चा करेगा। तो ये भी एक लक्षण है कि बच्चे का जो है दांत निकलने वाला है, और बच्चा जो है कंटिन्यू लेटरिंग करता है 3 से 4 बार, कभी कभी बच्चा जो है वोमिटिंग भी करता है। तो ये सारे लक्षण है बच्चों के दांत निकलने के। नेक्स्ट जो लक्षण होता है, बच्चा जो है कहीं कहीं गुड़क रहा है देखेंगे, तो जब बच्चा का दांत निकलने वाला होता है तो बच्चे का दांत जो होता है वो सलसलाता है। मसूड़ा देखेंगे कि बच्चे का, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बच्चे के फिंगर डालकर बच्चे के मुंह के अंदर देखेंगे तो देखेंगे मसूड़ा जो है वो खुला हुआ रहता है, क्योंकि पहला जो दांत निकलता है बच्चे को या आगे का निकलता है, या तो ऊपर का निकलता है या तो नीचे का निकलता है, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। तो देखेंगे कि ये दोनों जो है बिल्कुल खुला हुआ रहता है, रेड हो जाता है। तो ये भी लक्षण है कि बच्चे का दांत है वो निकलना शुरू हो गया है। तो बच्चे को जो भी कुछ सामान देंगे, जहाँ पे भी कुछ सामान रखते हैं, कुछ खेलने के लिए देते हैं, कुछ खाने के लिए देते हैं, तो सबसे पहले बच्चा उसको चबाएगा, हार्ड चीज़ वो चाहेगा, इतना हार्ड चीज़ को क्या करेगा वो चबाना चाहेगा। कोई कोई बच्चा तो देखेंगे कि दांत काटना जो शुरू कर देता है, अपना उंगली चबाना शुरू कर देता है, और कहीं पर भी देखेंगे तो आपको वो कहीं काट लेगा, या फिर कोई हार्ड चीज़ देंगे उसको पूरा दांत से इस तरह से चबाएगा, चिड़चिड़ा करेगा, दांत पे दांत मतलब बजाता है, तो वो उसका पूरा सलसलाता है, इसलिए वो ऐसा करता है। वो अंदर से दांत जो है निकलता है तो उसको दर्द करता होगा, और उसको ऐसा दबाने का मन करता होगा कि कोई हार्ड चीज लेंगे तो उससे आराम मिलेगा। तो एक ये लक्षण है। तो ये सारे लक्षण हैं जिससे क्या होगा, आप पता कर सकते हैं कि बच्चे का जो है, हमारे बच्चे का जो है वो दांत निकलना मतलब निकलने वाला है, और दांत अब मेरे बच्चे का जो है वो निकल सकता है।
तो ये सारे लक्षण होते हैं बच्चों के दांत निकलने के। अब है कि बच्चे का दांत तो के लक्षण तो हम लोगों को पता चल गया, अब ऐसा क्या करें कि बच्चे का दांत जो है हम लोगों को आसानी से निकल जाए, हम लोगों को ज्यादा परेशानी न हो, ज्यादा प्रॉब्लम न हो। तो कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं आप अपने बच्चे को लेकर के। तो सबसे पहला जो चीज होता है बच्चे को दांत निकलने के टाइम पे, हम लोगों को बच्चे को कुछ कैल्शियम की जरूरत होती है, क्योंकि कैल्शियम जितना बच्चे के शरीर में होगा दांत निकलने में बच्चे को उतना कम परेशानी होती है। तो कैल्शियम का आप बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं, वो मार्केट में भी आपको मिल जाता है, कोई भी डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं तो बच्चे को कैल्शियम देना जो है वो 3 से 4 महीने से स्टार्ट कर देते हैं कि आप अपने बच्चे को कैल्शियम देना शुरू कर दे। तो मैं भी अपने बच्चे को देती थी कैल्शियम जो है, होम्योपैथी का भी बहुत सारा दवाई आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों देना चाहिए, कब से देना चाहिए। होम्योपैथी का एक दवाई आता है कैल्केरिया फॉस करके, कैल्केरिया फॉस जो होता है वो कैल्शियम होता है एक्चुअली, तो उसको भी आप अपने बच्चे को आफ्टर 4 मंथ्स लाकर दे सकते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे का कैल्शियम जो होता है शरीर में जाता है तो दांत निकलने में बच्चे को परेशानी नहीं होती है। वो आप छोटा सा टैबलेट होता है, मीठा मीठा टैबलेट होता है, बच्चा जो है आराम से खा लेता है, क्योंकि छोटा जो है आराम से खा लेता है। छोटा सा उसका लिंक आप कहीं पे भी गूगल पे भी सर्च करेंगे कैल्केरिया फॉस, या फिर कोई होम्योपैथी शॉप में जाकर मांगेंगे कैल्केरिया फॉस, तो वो आपको दे देंगे। और वो बच्चे के लिए ही होता है यूजुअली, और ये छोटा छोटा पिल्स, छोटा छोटा टैबलेट होता है जो आप उस पर दिया हुआ रहता है कि आप 2 टाइम बच्चे को 2-2 टैबलेट दे सकते हैं। बच्चा अगर छोटा है किस मंथ से या फिर डॉक्टर भी जो दुकान में रहते हैं वो भी आपको बता देंगे, तो आप उनके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप जो नॉर्मल अगर आप देना चाहते हैं तो बच्चे को आफ्टर 4 मंथ्स उसे स्टार्ट कर सकते हैं, और 2-2 टैबलेट्स जो 3 टाइम्स दे सकते हैं या फिर 2 टाइम्स दे सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा टैबलेट होता है, बच्चा आराम से खा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटा बच्चा रहता है तो आप थोड़ा सा पानी में उसको घोलकर या फिर थोड़ा सा दूध में उसे डाल देंगे तो बच्चे का जो है आराम से खा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और कोई तीखा भी नहीं लगता। ऐसे जो एलोपैथी दवाई जो होता है कैल्शियम का, वो थोड़ा सा कड़वा होता है, मतलब बच्चा लोग खाना नहीं चाहता है, लेकिन ये छोटा जो दवाई होता है उसे आप आराम से बच्चे को दे सकते हैं। तो एक तो हो गया कि आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही कैल्शियम देना शुरू करेंगे तो बच्चे को जो है दांत निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो है बच्चे जब दांत निकलना शुरू होता है तो आप बच्चे को मसूढ़े का हल्का हल्का जो है मसाज जरूर कीजिए, क्योंकि मसाज करने से क्या होता है मसूढ़ा जो है बच्चे को मसूढ़े में आराम मिलता है, क्योंकि किसी का भी दांत में जब दर्द होता है तो वो काफ़ी जो है वो डेंजरस होता है, तो बच्चे को ऑब्वियसली दर्द करता होगा। तो आप बच्चे के मसूढ़े से बच्चे को मसूढ़े की मसाज कर सकते हैं। तो एक तो होता है हनी, हनी से भी आप अपने बच्चे को मसूढ़े की मसाज कर सकते हैं। ये फिंगर जो 4 फिंगर हम लोगों का होता है वो काफ़ी काम का होता है, तो आप उसमें हनी लेकर बच्चे के दिन भर में 2-3 बार बच्चे के मसूढ़े में मसाज करेंगे हनी से, तो उससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। और हनी ऐसे भी हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, हनी अगर आप बच्चे को कंटिन्यू देते हैं 2 से 3 बार मतलब सुबह शाम भी हमें हनी बच्चे को 1-1 चम्मच देते हैं, तो उससे भी बच्चे का जो है बच्चा जो है अच्छा होता है, सर्दी खांसी जुकाम जो होता है इससे बच्चे का दवा रहता है। तो आप हनी हमेशा बच्चे के लिए यूज करें। तो ये हो गया हनी को लेकर के, हनी से मसाज। दूसरा है बच्चे को इस टाइम पे हम लोगों को थोड़ी ठंडी चीज़ों से मसाज करनी चाहिए। देखिए बच्चे को ठंडी चीज़ों मतलब आप ले सकते हैं कि एक हैंकी ले सकते हैं, कॉटन का हैंकी, मोटा वाला जो हैंकी होता है उसको फ्रिज में डाल दें, या फिर चिल्ड वाटर में आप डाल देंगे उसको, तो वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडे से बच्चे के मसूढ़े की मसाज करेंगे तो उससे बच्चे की जो है आराम मिलता है और दांत निकलने में जो है सुविधा होती है। तो ये सारे उपाय जो है बच्चे के लिए आप कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे को जो है जिससे आपके बच्चे का दांत जो है आराम से निकल सकता है। जो है किस तरह से हम लोगों को केयर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है बच्चा जो है किसकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। तो देखिए इस टाइम पे बच्चा जो है बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, तो हमें काफ़ी पेशेंस रखना होता है, और माँ को खास करके पेशेंस रखना होता है, क्योंकि बच्चा जो है काफ़ी रोता है, काफ़ी चिड़चिड़ा होता है, कुछ खाना पीना नहीं चाहता है, तो ये चीज़ है हम लोगों को काफ़ी पेशेंस रखना होता है। दूसरी चीज़ है कि बच्चा का टॉय वगैरह जो होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बच्चे को हम लोग खेलने देते हैं या खाने देते हैं तो हर चीज़ को बच्चा चबाना चाहता है, तो बहुत सारा टॉय जो होता है मार्केट में आप उसे लाकर बच्चे को दे सकते हैं। रबड़ का टॉय होता है या फिर लकड़ी का कुछ कुछ टॉय होता है, चटनी पहले के ज़माने में एक टॉय आता था इस तरह डंबेल टाइप का, तो उस टाइप का टॉय भी अगर आपको मिलता है तो उस टाइप का टॉय भी अपने बच्चे के लिए लाकर दे सकते हैं, जिससे क्या होता है बच्चा जो उसको चबाता है तो बच्चे के मसूढ़े को आराम मिलता है। और मार्केट में आजकल तो बहुत सारा सॉफ्ट टॉय मतलब जो टॉय होता है जेली टाइप का देखेंगे, प्लास्टिक का रहता है, जेली टाइप का रहता है, उसको भी आप अपने बच्चे को लाकर दे सकते हैं, जिससे बच्चा उसको चबाएगा तो बच्चे के मसूढ़े को आराम मिलेगा।
इस टाइम पे आपको बच्चे की साफ सफाई का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर से आप कंसल्ट करने जाएंगे तो डॉक्टर जो बोलते हैं वो मेरे बच्चे को लेकर भी बोले थे, क्योंकि बच्चे का जो लैटरिंग वगैरह जो लूज मोशन होता है वो दांत आने की वजह से नहीं होता है। होता क्या है कि बच्चे को जब हम लोग बच्चा जो है दांत आना शुरू करता है तो कोई भी चीज को चबाना चाहता है तो उससे जो है उससे इन्फेक्शन जो होता है वो गंदा रहता है, उससे इन्फेक्शन बच्चे को हो जाता है, उसी वजह से बच्चे को लूज मोशन होता है। शॉर्ट में मैं बताऊंगी, इस पर डिटेल वीडियो में आप अलग से एक बताऊंगी तो उसको भी आप जाकर जरूर देखिएगा। तो ये सारी चीजें होती है, तो जितना हो सके साफ सफाई का उस टाइम पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, फ्लोर वगैरह साफ रखना चाहिए, बच्चे का जो भी खिलौना वगैरह है उसे हम लोगों को डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए, धूप में सुखाते रहना चाहिए, ताकि बच्चे को जो है वो मुंह में भी अगर लेता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। उस टाइम पे बच्चा उंगली वगैरह भी ज्यादा मुंह में लेता है तो बच्चे के नेल्स ये सब हमें कट करके रखना चाहिए। तो ये सारे उपाय करके आप बच्चे को सेफ रख सकते हैं और बच्चे का दांत जो है वो इजिली निकल सकता है। इसके बावजूद भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चे को बहुत ज्यादा फीवर है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, बच्चे बहुत कंटिन्यू लैटरिंग हो रहा है, तो आप उससे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि बच्चे का अगर दांत को दांत बच्चे के दांत को लेकर के कि बच्चे के दांत को निकलने में हम लोगों को क्या क्या परेशानियां हो सकती है और किस तरह से हम लोग उससे ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ध्यान जरूर रखें।